और चलिए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के सतना में, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। और सतना की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया है। सुनिए मुख्यमंत्री को। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। शरीफ लोगों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, देशभक्त लोगों की पार्टी है। हम आम लोग हैं, अन्ना आंदोलन से निकले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते। हम कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं है। आज मैं आपके बीच में जो बातें मैं करने जा रहा हूं वो बातें आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। आज हम ये जारी कर रहे हैं केजरीवाल की गारंटी, ये हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आज तक ये लोग कहते थे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो और फिर चुनाव के भूल जाते थे। इनके जो नेता स्टेज पे खड़े होके उसका विमोचन करते थे वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें क्या लिखा हुआ है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है केजरीवाल सर कटा देगा लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी होके छोड़ेगी। केजरीवाल की एक एक गारंटी पूरी होगी। और जब से हमने ये गारंटी कहना चालू किया है, इन सारी दूसरी पार्टियों ने भी कहना चालू कर दिया कि हम भी गारंटी दें।
चुनाव आने पे ये सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मीडिया वाले इसको माइक लगाते हैं, आपको फलानी फलानी पार्टी ने ये बोला, आपको क्या कहना है? दोस्तों हमें गाली गलौज करनी नहीं आती, कर तो हम भी सकते हैं, हमें गालियां नहीं देनी, हम आम लोग हैं, हमें आम आदमी की समस्या समझते हैं। आपकी बातें करने आया हूं, आपकी बातें करूंगा, अगर बातें ठीक लगे तो मेरे को वोट दे देना। आज मैं आपको 10 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली आती है? बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं? दिल्ली में नहीं लगते, पहले लगते थे, पंजाब में भी नहीं लगते। पंजाब में 1.5 साल ही हुए अभी सरकार बने, 1.5 साल पहले पंजाब में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आपने दोनों पार्टियां ट्राई करके देख ली, 75 साल हो गए और 75 साल इन्हीं दोनों पार्टियों को ट्राई करके देख लेना, बिजली नहीं आने वाली। बिजली तो केवल आम आदमी पार्टी देगी। अगर बिजली चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना दोनों पार्टियों। दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है, 0-0 मतलब 0। उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है। आपको भी बिजली का बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? के पुराने बिजली के बिल आए पड़े हैं, गलत बिजली का बिल बना के भेज देते हैं ये लोग, किसी का 10,000 रुपए, किसी का 20,000 रुपए, उसके बाद आप चक्कर काटते रहते हो। जब बिजली दफ्तर जाते हो, बाबू कहता है 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, आपके बिजली का बिल ठीक करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर मैंने बिजली आपकी फ्री कर भी दी तो पुराने बिल का क्या होगा? नवंबर तक के सारे बिल पुराने माफ। पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी, पिछले साल 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के पूरे पंजाब के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिए थे हमने। यहां पे दिसंबर में चुनाव होगा, 30 नवंबर तक के जितने पुराने बिजली के बिल हैं सारे पुराने बिजली के बिल माफ, 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली कर देंगे और आपकी बिजली फ्री कर देंगे, आपके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके बच्चों की, चाहे गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल मैंने शानदार बना दिए, पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, मैंने भी यहां देखा है मध्य प्रदेश में, मामा ने बेड़ा गर्क कर दिया सारे सरकारी स्कूलों का। सरकारी स्कूलों का दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, टीचर है नहीं, सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? दिल्ली में हमने इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, इतने शानदार बना दिए, 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए। मध्य प्रदेश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। प्राइवेट स्कूल वालों ने भी लूट मचा रखी है, मचा रखी है कि नहीं मचा रखी है? जब मर्जी उल्टी सीधी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट
टीचरों से केवल पढ़ाने का काम कराया जाएगा, दूसरा कोई काम नहीं कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का, आईएएस अफसर का और जज का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। समान शिक्षा सब लोगों को मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज आपके घर में कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाता, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क है। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही था, पंजाब में भी ऐसे ही था। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया, एयर कंडीशन्ड बना दिया और सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आप अपना इलाज कराने के लिए जाओ, सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, सारा इलाज फ्री। आपका 20 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा तो वो भी फ्री हो पाया। आपके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें सारा इलाज मुफ्त है। आप वहां जाओ, अपना इलाज करा के आ जाओ। और कोई बीपीएल कार्ड नहीं, कोई कार्ड नहीं। बस आपको इंसान होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। इंसान है तो आप जाओ, इलाज करा के आ जाओ, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारा इलाज मुफ्त है। मध्य प्रदेश में भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और हर जिले के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। जैसे दिल्ली में और पंजाब में किया, सारा इलाज मुफ्त करेंगे, टेस्ट फ्री, दवाइयां फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। और सरकारी अस्पताल जैसा नहीं, बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, उनसे भी शानदार अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाएंगे, जैसे दिल्ली में बना के दिखाएंगे। पंजाब में अभी 1.5 साल हुआ है सरकार बने, पंजाब में 31,000 सरकारी नौकरियां दी हैं 1.5 साल के अंदर, और 3 लाख प्राइवेट नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान साहब। हमें नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। मध्य प्रदेश में भी हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पंजाब के अंदर 350 अफसरों को जेल भेज दिया इसने, मान साहब ने 350 अफसरों को, पुरानी सरकार के बड़े बड़े मंत्री जेल में बैठे हैं, उनके सारे पैसे रिकवर करके जनता के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहां भी इन्होंने, पुरानी सरकारों ने जितने घोटाले करे हैं, आपका जितना पैसा लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे। मेरे से मीडिया वाले पूछते हैं, इतने काम कैसे करोगे, बिजली फ्री करोगे, स्कूल बनवाओगे, अस्पताल बनवाओगे,
भाई साहब इन पुराने मंत्रियों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, सात सात पुश्तें इनके घर बैठ के खाएंगी, इनसे निकलवाएंगे सारा पैसा।